दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के गली नंबर 7 में शनिवार की रात साले ने जीजा की नुकीली चीज से गोदकर हत्या कर दी। जी हां, और उसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें जो है उसको पकड़ने में जुटी हुई हैं और लगातार छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के गली नंबर 7 में मोहम्मद शहजाद आलम, जो कि मरने वाला शख्स है और वो बिहार का रहने वाला है, अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था और उसके साथ उसकी साली भी रहा करती थी। कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी का आपसी विवाद के कारण वो जो बीवी है अपने घर चली गई थी। शहजाद आलम अपनी साली के साथ गोविंदपुरी की गली नंबर 7 में रहा करता था। लोगों के मुताबिक उसका साला आता था और पहले तो अपनी बहन को मारता था। जब जीजा उसके मारने से रोकते थे तो उनके साथ भी वो मारपीट किया करता था। और शनिवार को भी ऐसा हुआ कि जीजा को उसने किसी नुकीली चीज़ से मारा और उसके बाद जीजा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया है। आर सोनी न्यूज़ के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम क्या हुआ था? आपके दोस्त के साथ क्या वारदात हुई थी? मेरे दोस्त के साथ उसके साले आए थे और आते ही अपने बहन को, उनके साले को मारने लगे। अच्छा। मारने लगे तो ये रुकने लगा। हाँ। भाई क्यों मार रहे, क्या बात है? हाँ। जाओ, इसको भी मारने लगा। मारते हुए भी क्या चीज़ से मारा ये पता नहीं चल पाया। हाँ। और वो मार कर निकल गए। उनकी डेड बॉडी गांव पहुंचा दे गए, पोस्टमार्टम भी हो गए। मरने वाले का क्या नाम था? मोहम्मद शहजाद आलम। उनका जो धर्म पत्नी और बच्चे थे वो कहाँ रहते थे? वो उनके पत्नी 2-3 महीने पहले छोड़ के चले गए थे। छोड़ के चले गए थे वो अपनी साली के साथ? जी, साली के साथ रहते थे। साली के साथ रहते। और जो लोग आए थे वो कौन थे? वो तो उनमें से मैं एक ही को जानता हूँ, जो उनका साला है, मंजर आलम। मंजर आलम। और उसके बाद किस बात को लेके विवाद हुआ? अपने उनको अपने बहन को मारने लगे। मारने के बाद वो बोला, भाई क्यों मार रहे हो, क्या बात है, बैठो तो सही, बात करते हैं। उसके बाद इसको भी मारना चालू कर दिया। इसी में मारते हुए बचाव कितने वार चक्कू से किए थे उसके? सर हम ये नहीं देख पाए कितने बार वार किए, चाकू से किया कि नहीं कर पाया, हमने देख नहीं पाया।